एक ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट जिसकी इतनी ज़्यादा बस थी नहीं जितनी बाकी प्रीमियम लाइव इवेंट्स की होती है, तो क्या फास्ट लेन 2023 ने डिलीवर किया, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। क्या हुआ, कोई चैंपियनशिप, न्यू चैंपियंस बने, हम डेब्यू की एक्सपेक्ट कर रहे थे जेड कारगिल की, क्या हमें वो दिखी, हम एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसका रिटर्न हुआ, इन सब के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। वेलकम टू रेसलमेनियाक। तो शुरू से शुरू करते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एक थोड़ा सा रैंडम सेटअप लगा मुझे, कोडी रोड्स एंड जे उसो वर्सेस द जजमेंट डे के फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट। जब ये अनाउंस हुआ था तो मुझे बड़ा शॉकिंग लग रहा था, मुझे लग रहा था कि जजमेंट डे जीतेगी ही ये फॉर श्योर मैच, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया। यहाँ पर न्यू विनर्स हमें देखने को मिले, कोडी रोड्स एंड जे उसो ने मिलकर क्रॉस रोड्स दिया और 1D दिया और इसी के साथ वो जीत गए टैग टीम चैंपियनशिप। इस पूरे मैच में काफ़ी कुछ हुआ, जेडी मैकडॉन ने कोशिश करी कि वो हेल्प करें, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली उनको ही सुपर किक मिल गई। और तो कहीं ना कहीं जेडी मैकडॉन की गलती की वजह से ये इम्पैक्ट किया रिजल्ट। अब इस चीज़ का पूरा क्या असर रहेगा उनका जो जजमेंट डे के साथ प्रोग्राम चल रहा है, वो आने वाले प्रोग्राम से पता चलेगा। लेकिन हम बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, LWO वर्सेज बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स। मैच में जाने से पहले हम यही एक्सपेक्ट करते कि यार कार्लिटो का रिटर्न हो सकता है, यहाँ पर वो LWO के साथ आ सकते हैं, लेकिन यार सरप्राइज ये हुआ कि सैंटोस एस्कोबार आते हैं सिर्फ रे मिस्टीरियो के साथ और वो बोलते हैं यार हम दोनों मैच करते हैं अगेंस्ट बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स। मिडवे ड्यूरिंग द मैच एक बिल्कुल अलग ही म्यूजिक बजने को मिला और हमें देखने को मिले कार्लिटो का रिटर्न, और बहुत ही ज़्यादा लाउड पॉप मिला जब उन्होंने रिटर्न किया एंड एज अ बेबी फेस उन्होंने मोंटेज फॉस को बैक स्टैब दिया और जीत गए ये मैच। बैकलैश से जब से कार्लिटो दिखे थे तब से WWE के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन WWE के पास उनके लिए कुछ था नहीं, इसलिए शायद उनका जो रिटर्न है वो इतनी देर से रुका हुआ था, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं, LWO के साथ ज्वाइन कर लिया फोर्सेस। बहुत ही धाकड़ होने वाला है आगे के स्मैकडाउन के एपिसोड्स, देखने को मजा आएगा। इसके बाद ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर WWE वुमेन्स चैंपियनशिप, इयो स्काई वर्सेज ऑस्का वर्सेज शार्लेट फ्लेयर। इयो स्काई ने बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दिया था बेली को कि यार आप लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं ये खुद चीज़ हैंडल करूँगी अकेले। तो वो अकेले आती हैं रिंग के अंदर, काफ़ी अच्छा मैच होता है, लेकिन हाँ एंड के कुछ मोमेंट्स में डैमेज कंट्रोल की बेली आती हैं और इंटरफेयर करती है मैच में। इस बार ज़रूर बेनिफिट हुआ इयो स्काई को, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पर लगा कि यार ऑस्का ने अब पिन कर दिया है शार्लेट फ्लेयर को, लेकिन क्योंकि रेफरी को बिजी कर दिया था बेली ने, इसलिए वो काउंट आउट नहीं हो पाया और उसके बाद इयो स्काई ने ये मैच जीत लिया। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि WWE ने साइन किया जेड कारगिल को थोड़े हफ्ते पहले, और यही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि या तो वो फास्ट लेन पे या तो वो रॉक के किसी एपिसोड पे डेब्यू करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो बैक स्टेज हमें ज़रूर दिखी, कार से उतरती हैं और ट्रिपल एच उनको लेने जाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तो वो स्मैकडाउन के रोस्टर पे हैं तो यहाँ इस मैच को यानी कि इयो स्काई के साथ जो मैच था ऑस्का और शार्लेट फ्लेयर का, वहाँ पर वो हमें दिख सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। WWE शायद उनका जो डेब्यू है उसको बिग टाइम चीज़ बना रहा है और उसको ऐसे एक मैच में रैंडम डेब्यू नहीं कराना चाहते, इसलिए बैक स्टेज ज़रूर दिखी लेकिन मैचेस में कहीं वो इंटरफेयर नहीं किया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं जॉन सीना एंड एल ए नाइट वर्सेज जिमी उसो एंड सोलो सिकोया। अब 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन के लिए दिखे हमें इस मैच में रिंग के अंदर। काफ़ी उन्होंने हीट जो थी और काफ़ी बम्प्स उन्होंने लिए, जिसके बाद जब उन्होंने अटैक किया द मेगा स्टार एल ए नाइट को, तो यार क्या ही लाउड पॉप मिला इस पूरे मैच में दोनों के दोनों बेबी फेस को। और फाइनली एल ए नाइट ने ये मैच जीत लिया अपनी टीम के लिए, जिसके बाद लोग जो थे काफ़ी पागल, जनता पागल ही हो गई थी ऐसा लग रहा था। लास्ट मेन इवेंट ऑफ द प्रीमियम लाइव इवेंट, लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, सिंसके नाकामुरा वर्सेस सेथ रॉलिंस। अब इस मैच से पहले मुझे लगता कि डेमियन प्रीस्ट क्योंकि अपनी चैंपियनशिप आ गए हैं तो ज़रूर वो अपनी मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को यहाँ पर ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि चाहे कोई भी जीत रहा होगा दोनों के दोनों जो सुपरस्टार्स होंगे सेथ रॉलिंस या सिंसके नाकामुरा, वो धराशायी गिर चुके होंगे, थक चुके होंगे। तो क्या मुझे दिख सकता है डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर अपना कैश इन करते हुए, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेल हो, इस बारे में एंड पे बात करेंगे। लेकिन यार ये जो मैच था लास्ट मैन स्टैंडिंग बहुत ही धाकड़ मैच था, जितना एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज़्यादा डिलीवर किया इस मैच ने। चेयर स्टेबल लैडर्स यूज़ की गई और यार जो स्टेबल है उसके पास चले गए, क्राउड के पास चले गए, अनप्रोटेक्टेड फ्लोर पे बिग बम्प लिया सेथ रॉलिंस ने अपनी बैक पे, और यार ये सेल करने की जरूरत नहीं है, ये तो लेजिट लगी होगी उनको। इसके बाद नाकामुरा ने अपने आइडल ग्रेट मोटा को एक तरह से होमेज, एक तरह से ट्रिब्यूट देते हुए मिस्ट भी स्प्रे किया सेथ रॉलिंस की आईज में, लेकिन इस सब के बाद लास्ट मैन स्टैंडिंग थे एंड स्टिल द चैंपियन सेथ रॉलिंस। तो ये तो था कुछ फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट के रिजल्ट्स। एक चैंपियनशिप हमने चेंज करने को दिखी, एक रिटर्न हुआ कार्लिटो का, बैक स्टेज अपीयरेंस दिखी, डेब्यू नहीं हुआ, डेब्यू हो जाएगा सून जेड कारगिल का, इसके साथ साथ बेबी फेसेस जीते मैचेस,
काफ़ी लंबे मैचेस थे क्योंकि 5 मैचेस ही थे तो, लेकिन ओवरऑल काफ़ी सही जो था ये प्रीमियम लाइव इवेंट था। आपको क्या लगा, आपकी क्या रेटिंग है इस पूरे प्रीमियम लाइव इवेंट में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।